हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्निज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्निज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। चलिए एक एक करके हम इन्हें देखते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्निज्म के लिटरेचर में वो है इमेजिज्म। सो इमेजिज्म ये जो कॉन्सेप्ट था वो हिल्डा डूलिटल और एमी लोवेल इन दोनों ने इमेजिज्म का कॉन्सेप्ट निकाला था। और हिल्डा डूलिटल एक इंग्लिश औरत थी और एमी लोवेल एक अमेरिकन औरत थी। इसीलिए इमेजिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो एक एंग्लो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है जो 1912 में शुरू हुआ था और 1917 में ख़त्म हुआ था, ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे राइटर्स थे जिन्होंने अपनी राइटिंग में इमेजिज्म का उपयोग किया, जैसे एज्रा पाउंड, विलियम कार्लोस विलियम्स, वॉलेस स्टीवेंस, रिचर्ड एल्डिंगटन, जॉन गोल्ड फ्लेचर और टीएस एलियट। अभी इमेजिज्म के कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। इमेजिज्म में हम लोग कॉमन स्पीच यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसमें कुछ बहुत ही ऑर्नेट या भारी भरकम भाषा इस्तेमाल नहीं करते। फ्रीडम इन द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हम लेना चाहें उसे हम ले सकते हैं। फ्री वर्ड्स का इस्तेमाल होता है यानी जो पोइट्री वगैरह होती है उसमें कोई राइम स्कीम या राइमिंग पैटर्न नहीं होता, फ्री वर्ड्स होता है। एम्प्लॉइंग द एग्जैक्ट वर्ड, जो भी हम सोच रहे हैं वो एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करते हैं हम, उसमें कोई ऑर्नेट वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट, पोइट्री दैट इज़ हार्ड एंड क्लियर, नेवर ब्लर्ड और इनडेफिनिट। तो ऐसी पोइट्री जो एकदम क्लियर है ऐसा इमेजिज्म में होता है, कोई ब्लर्ड पोइट्री इसमें या ऐसी पोइट्री जो समझ में ना आ रही हो वैसे हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है सिम्बोलिज्म। तो सिम्बोलिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है। इन द नॉवेल एनिमल फार्म द एंटायर स्टोरी इज़ द सिम्बल ऑफ इविल्स ऑफ कम्युनिज्म। तो एनिमल फार्म जो कि जॉर्ज ऑरवेल की बहुत मशहूर नॉवेल है, वो पूरी स्टोरी एक सिंबल है। तो वो स्टोरी है तो एनिमल्स के बारे में, लेकिन एक्चुअली वो एक एलिगरी है और वो एनिमल्स के ज़रिए इविल्स ऑफ कम्युनिज्म को दिखाया गया है। इसके अलावा एक और जो नॉवेल है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, वो भी सिम्बोलिज्म का एग्जांपल है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है मॉडर्निज्म के अंदर वो है बहुस। तो बहुस मतलब लेस ऑर्नेट एंड सिंपल आर्किटेक्चर। तो सिंपल लैंग्वेज, सिंपल पोएट्री, कुछ भी ऑर्नामेंटल नहीं, उसे हम बहुस कहते हैं। उस तरह के आर्किटेक्चर को भी बहुत कहा जाता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है सररियलिज्म। सररियलिज्म ऑटोमेटिक राइटिंग, जैसा भी मन में आ रहा है वैसा ही हम लिख रहे हैं। और फिर ये सेल्फ इंड्यूस्ड हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि जो हम सोच रहे हैं वो उनमें वास्तविकता हो। जैसा भी हमारे मन में आ रहा है, अगर हम हेलुसिनेट भी कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो उन सारे इमेजिनेशंस को या हमारे मन में जो भी कुछ आ रहा है, ऑटोमेटिक राइटिंग हो रही है, वो सारी चीज़ों को भी हम अपने लिटरेचर में डाल रहे हैं, इसको हम कहते हैं सररियलिज्म। ओके, सो वर्ड गेम्स टू मैनिफेस्ट सप्रेस्ड मेंटल एक्टिविटीज़। अपने जो भी एक्टिविटीज़, जो भी हमने अपनी भावनाओं को दबा कर रखा हुआ है, सप्रेस करके रखा हुआ है, वो बाहर आती हैं, उसे हम कहते हैं सररियलिज्म। अनकॉन्शियस माइंड का यूज़ होता है। और भी कुछ इसमें टेक्निक्स है, ब्रोकन सिंटैक्स, रप्चर्ड और इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, सेंटेंस कम्प्लीट ना होना, नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो जो सीक्वेंस है वो फॉलो नहीं होता है, क्रोनोलॉजी फॉलो नहीं होती है, किसी भी इवेंट को हम पहले लिख देते हैं, दूसरे इवेंट को जिसको पहले होना चाहिए उसको बाद में लिखते हैं, ड्रीम लाइक सीक्वेंसेस, सपने में जो कुछ देखा हुआ है उसे लिख रहे हैं। ओके, रैशनैलिटी इसमें नहीं होती है, रिजेक्शन ऑफ रैशनैलिटी, तो जो एक्चुअल चीज़ है उसे हम लोग नहीं लिखते, बस अपने मन में जो आता है या जो हम इमेजिन करते हैं उसे लिखते हैं, उसे कहते हैं सररियलिज्म। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है डायलन थॉमस, रिटर्न टू चाइल्डहुड, फर्न हिल, ग्रीन स्लीव्स, अ रिफ्यूजल टू माउंट द डेथ, ये सारे एग्जांपल्स हैं सररियलिज्म के। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है क्यूबिज्म। और ये एक आर्ट मूवमेंट है जिसमें ज्योमेट्रिक फॉर्म्स का इस्तेमाल होता है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स बनाई जाती है। पैब्लो पिकासो ने इसकी शुरुआत की थी क्यूबिज्म की। और लिटरेचर में जर्ट्रूड स्टीन, जो कि ऑटोमेटिक राइटिंग से भी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने क्यूबिज्म का इस्तेमाल अपने लिटरेचर में किया। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्निज्म का वो है एक्सप्रेशनिज्म। स्टैकैटो इफेक्ट यूज़ होता है मॉडर्निज्म के लिटरेचर में, पावरफुल इमोशनल स्टेट्स रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टॉर्टेड आउटर इमेजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो पावरफुल इमोशनल स्टेट्स यानी हमारे मन में जो भावनाएं हैं उनको हम लोग दर्शाते हैं। जेम्स जॉयस ने डुब्लाइनर्स, उलिसियस दोनों में एक्सप्रेशनिज्म का इस्तेमाल किया था। जे आर आर टॉल्किन, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसमें भी इसका इस्तेमाल है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है निहिलिज्म।
निहिलिज्म का मतलब होता है ना मानना, नथिंग, एनिहिलेट या ख़त्म कर देना, जिसका मतलब होता है रिजेक्शन ऑफ द रियलिटी, रियलिटी को रिजेक्ट कर देना। रिजेक्शन ऑफ थियज़म, थियज़म का मतलब होता है भगवान को मानना, तो भगवान को हम नहीं मान रहे, जैसे कि वेटिंग फॉर गोडॉट में देखा गया, ऑल वैल्यूज़ आर बेसलेस, एग्जिस्टेंस इज़ मीनिंगलेस, ऐसा मानना कि जो हम जी रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, एक दिन तो ख़त्म हो जाना है, वैल्यूज़ का कोई मतलब नहीं है। फ्रेडरिक नीज ने इस कॉन्सेप्ट को बताया था, हु असर्टेड दैट गॉड इज़ डेड, तो उसने कहा था कि भगवान नहीं है और हम लोग बस ऐसे ही मान रहे हैं भगवान को, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं निहिलिज्म, जो कि एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। फ्रांस काफ्का, एल्बर्ट कामूज और सैमुअल बेकेट ने भी सिमिलर थियोरीज बताई। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्निज्म के अंदर वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म। ह्यूमन बींग डिफाइन देमसेल्फ थ्रू द एक्ट ऑफ लिविंग एंड डाइंग, तो ह्यूमन बींग्स जो है वो जीते हैं और फिर एक दिन उन्हें मर जाना होता है। तो ह्यूमन्स हैव फ्री विल एंड विद दैट कम्स डिस्पेयर, तो हम हमारे पास फ्री विल तो है, जैसा करना चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं, एक दिन सबको ख़त्म हो जाना पड़ता है। सेम जो चीज़ निहिलिज्म में बताई गई है वही एग्जिस्टेंशियलिज्म में भी है। तो हमें इसी बात की एंग्जाइटी और स्ट्रेस रहती है कि हम कितना भी सक्सेसफुल हो जाएं या कुछ भी कर ले लाइफ में, हमें एक दिन ख़त्म होना है। सम थिंग्स आर इरेशनल और अब्सर्ड, तो कुछ चीज़ें इरेशनल है, अब्सर्ड है, अजीब है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, अब्सर्ड यानी अजीब, कोई चीज़ अजीब होना। तो ये जो थिएटर ऑफ द अब्सर्ड है, वेटिंग फॉर गॉडॉट मैंने आपको एग्जांपल बताया था इसका, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ। तो थिएटर ऑफ द अब्सर्ड में ऐसे ड्रामास बनाए गए, लिखे गए, जो दिखाते हैं कि लाइफ को जीना, ज़िंदगी को जीना कितना ज़्यादा मीनिंगलेस है और उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कितना भी अच्छे तरीके से जी लो या बुरे तरीके से जी लो, लास्ट में हमें मर ही जाना है। सैमुअल बेकेट के फेमस जो नॉवल है एंड गेम या वेटिंग फॉर गॉडॉट, ये बहुत ही फेमस पीसेज हैं जो थिएटर ऑफ द अब्सर्ड को दर्शाते हैं। एल्बर्ट कैमूस का कैलिगुला मिथ ऑफ सिसिफस भी सेम कॉन्सेप्ट पे है, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, ओके, जो कि मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ को दिखा रहे हैं। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, यहाँ पे इमेजिज्म, सिम्बोलिज्म, बहुत सरियलिज्म, क्यूबिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, निहिलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्निज्म के। मॉडर्निज्म लिटरेचर में ये सारे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होता है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।